तो आज के वीडियो में मैं आपको डिवाइस बाय डिवाइस बताऊंगा ओप्पो के कौन कौन से स्मार्टफोन में हमें एंड्रॉयड 13 के साथ में कलर ओएस 13 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ओप्पो फाइंड X5 प्रो डिवाइस में एंड्रॉयड 13 का बीटा अपडेट प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ इस अपडेट के साथ में हमें कौन कौन से नए फीचर देखने को मिलेंगे, अपडेट की साइज क्या होगी, सब कुछ बात करेंगे इसी वीडियो के साथ में। सो यार हो सके तो आप हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो के थ्रू आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुमेनो फायद आपको पता होगा रिसेंटली गूगल का आईओ था एंड वहाँ पे बताया गया ओप्पो फाइंड X5 प्रो डिवाइस में हम एंड्रॉयड 13 का बीटा अपडेट प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ और भी कंपनियों के और भी स्मार्टफोन सेलेक्ट हुए, जैसे कि रियलमी GT2 प्रो, ओप्पो फाइंड X5 प्रो एंड वन प्लस की तरफ से वन प्लस 10 प्रो डिवाइस में भी हमें एंड्रॉयड 13 का बीटा वर्जन देखने को मिला। अब यहाँ पे काफी सारे यूजर्स कंफ्यूज हैं कि भाई अभी भी कलर स्टोल का अपडेट प्रोवाइड हो रहा है, कुछ फोन्स में अभी बीटा वर्जन मिला जैसे कि ओप्पो रेनो 10X जो इन सभी डिवाइसों में हमें रिसेंटली में कलर स्टोल का बीटा वर्जन देखने को मिला, बीटा फॉर्म में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इन सभी डिवाइसों में हमें कलर ओएस 13 का सपोर्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर यह अपडेट हमें कब से प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो देखो चाइना में यह अपडेट हमें अगस्त से प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वहाँ पे बात करें हम इंडिया वर्जन के बारे में, तो यह अपडेट आपके डिवाइस में सितंबर 2022 से एंड्रॉयड 13 के साथ में कलर ओएस 13 का सपोर्ट प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैंने बात की ओप्पो फाइंड X5 प्रो डिवाइस में एंड्रॉयड 13 का बीटा वर्जन मिला, तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे अभी तक कलर ओएस 13 का बिट अवेलेबल नहीं है, तो यह बिट कैसे प्रोवाइड किया गया, तो यह बिट आपके फोन में कलर ओएस 12.1 पे ही प्रोवाइड हुआ या फिर कलर ओएस 12.2 पे इन फ्यूचर आपके फोन में देखने को मिलेगा। लेकिन जब कलर ओएस 13 का ऑफिशियल वर्जन अवेलेबल हो जाएगा, कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, तभी आपके फोन में एंड्रॉयड 13 के साथ में कलर ओएस 13 का अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा। अभी तो फिलहाल एंड्रॉयड 13 जो अपडेट है वही बीटा वर्जन में रन कर रहा है, जब इसका ऑफिशियल वर्जन अवेलेबल हो जाएगा तब इंडिया में हमें कलर ओएस 13 का अपडेट देखने को मिलेगा, फिर हमारे स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 13 के साथ में कलर ओएस 13 के अपडेट को प्रोवाइड किया जाएगा, कलर उसकी तरफ या फिर आप ओप्पो को मान सकते हैं क्योंकि हमारा मेन ब्रांड है ओप्पो। अब वहीं पे बात करें कलर ओएस 13 का सपोर्ट ओप्पो के कौन कौन से स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं आपको डिवाइस बाई डिवाइस बता रहा हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ओप्पो फाइंड सीरीज के बारे में, तो सबसे पहले स्मार्टफोन है यहाँ पे ओप्पो फाइंड N एंड फिर ओप्पो फाइंड X5 प्रो, ओप्पो फाइंड X5, ओप्पो फाइंड X5 लाइट, साथ ही साथ ओप्पो फाइंड X3, X3 प्रो, X3 नियो, X2, X2 प्रो, X नियो एंड फाइंड X2 लाइट, इन सभी स्मार्टफोन में हमें एंड्रॉयड 13 के साथ में कलर ओएस 13 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर वो भी बात करें हम रेनो सीरीज के बारे में, तो देखो कुछ अपकमिंग स्मार्टफोन है जो कि इन फ्यूचर लॉन्च होने वाले हैं, तो वो भी सभी स्मार्टफोन हम काउंट करेंगे, या फिर कुछ स्मार्टफोन हमें इंडिया में भी देखने को नहीं मिला वो सभी स्मार्टफोन हम काउंट करेंगे एंड इन फ्यूचर उन सभी स्मार्टफोन में कलर ओएस 13 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें रेनो सीरीज के बारे में, शो रेनो 8, रेनो 8 प्रो, ओप्पो रेनो 8 प्रो प्लस, रेनो 7, रेनो 7 प्रो, रेनो 7 जेड, रेनो 7 एसे, रेनो 6, रेनो 6 प्रो, रेनो 6 प्रो प्लस, रेनो 6 जेड एंड रेनो 5, रेनो 5 प्रो, रेनो 5 जेड, रेनो 5 EF, रेनो 5 ए, रेनो 5 के, रेनो 5 लाइट, रेनो 4 4G, रेनो 4 5G, रेनो 4 प्रो 4G, रेनो 4 प्रो 5G, रेनो 4 जेड 5G, रेनो 4 लाइट, रेनो EF, रेनो 4 FE, रेनो 3 4G, रेनो 3 5G, रेनो 3 प्रो 5G। काफी सारे स्मार्टफोन यहाँ पे लिस्टेड हो चुके हैं, बट मैं आपको जो भी बता रहा हूँ थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। ओप्पो A96, A95, A95 VF, ओप्पो A57, A55 VF, A56, A36, A53 5G, ओप्पो A55, A55 VF 5G, A74, A74 5G, A76, A93 5G, A94 5G, A95, इन सभी स्मार्टफोन में भी हमें एंड्रॉयड 13 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। वह भी बात करें हम F सीरीज के बारे में, तो ओप्पो F21 प्रो इन सभी डिवाइसों में हमें एंड्रॉयड 13 विथ कलर ओएस 13 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ओप्पो F19 प्रो, ओप्पो F19 एंड ओप्पो F19 इस डिवाइस में हमें एंड्रॉयड 13 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा।
साथ ही साथ ओप्पो K10, K10 Pro, K9X, K9F, K9 Pro डिवाइस में हमें Android 13 के साथ में कलर OS 13 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको जो भी स्मार्टफोन का नेम बताया वो ऑफिशियली कंफर्म नहीं है कि आपके फोन में Android 13 का सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो भी एक्सपेक्टेड डिवाइसें हैं उन सभी डिवाइसों में हमें Android 13 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे बात करें हम फीचर के बारे में, तो Android 13 के सारे फीचर आपके फ़ोन में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ये अभी बीटा वर्जन में रन करें तो सारे के सारे जो भी फीचर्स थे वो अभी तक अवेलेबल नहीं हुए या फिर उनके बारे में पता नहीं चल पाया। लेकिन यहाँ पे प्राइवेसी के बारे में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखा गया है। उसी के साथ ही साथ आपके फ़ोन में जब कलर OS 13 पे Android 13 का सपोर्ट देखने को मिलेगा तो आपको Android 13 का UI नहीं मिलेगा बल्कि कलर OS 13 का UI देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ कलर OS 13 में जो भी एक्स्ट्रा फीचर ऐड किए जाएंगे वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब यार कलर OS 13 काफ़ी हटके होने वाला है। उसी के साथ ही साथ कलर OS 7 के बाद में हमें कलर OS 12 का जो अपडेट मिला उनमें हमें काफ़ी सारे कुछ चेंजेस देखने को मिले। सारे के सारे एप्लीकेशन का UI एंड उसका यूजर फेस, मतलब जो भी यहाँ पे कुछ भी किया जा सकता था एंड प्राइवेसी के बारे में काफ़ी ज़्यादा कुछ फोकस किया जाएगा एंड नए नए फीचर्स ऐड किए जाएंगे वो आपको पता होगा। तो काफ़ी सारे मेजर अपडेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड उसी के साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके साइज के बारे में तो अप्रॉक्सीमेटली वही 5 GB के साथ में ये बट आपके फ़ोन में देखने को मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो के साथ में बताया था। तो आप हमारे चैनल के साथ में स्टे ट्यून रह सकते हैं, जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी एंड्रॉयड 13 के बारे में मैं आपको जरूर ही बता दूंगा। लेकिन यार यहाँ पे ये भी एक्सपेक्टेड डिवाइसें हैं, इन सभी डिवाइसों में हमें एंड्रॉयड 13 का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अभी तक ओप्पो की तरफ से कोई भी ऑफिशियल डिवाइस लिस्ट प्रोवाइड नहीं हुई एंड ये ऑफिशियल लिस्ट में देखने को मिलेगी सितंबर 2022 में एंड बहुत जल्दी चाइना में कलर OS 13 का बीटा वर्जन प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको जरूर से इन्फॉर्म करूंगा अपने इसी YouTube चैनल पे कि हमें कौन कौन से नए फीचर देखने को मिल रहे हैं या फिर चाइना में कलर OS 13 का बिट कौन सी डेट को लॉन्च हो रहा है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा अपने चैनल के साथ में। एनीवे ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा।